नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैसोड़ा हिमाल कैसेट्स पर लेके आया हूँ अपना एक और ब्लॉग उत्तराखंड महाकुंभ दिति, जो श्री विनोद सेठी जी द्वारा और उत्तराखंड एकता मंच द्वारा विनोद नगर में किया जा रहा है। देखिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। तो दगड़ियों, ये थे बिशन हरियाला जी सुपरस्टार कुमाऊं के। अब आ रहे हैं उत्तराखंड के जाने माने गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, अपना नया गीत लेके जो आजकल पूरे उत्तराखंड में धूम मचाया हुआ है जिस गीत ने, और वो गीत लेके आ रहे हैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को सुनिए आप लोग, फिर आगे मैं दिखाता हूँ उन आगे। सुदीप कोई ने देख दो कैसे सुरखी के कोले, सुदीप कोई ने देख दो कैसे सुरखी के कोले, जान तो कोई ने देख दो नुम छुपी सुरखी के कोले, कुछ तो खास thank you.
दगड़ियों, आपने देखा गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये ठंडो रे ठंडो, और उससे पहले उनका सुपरहिट गीत जो बहुत लोगों ने पसंद किया, एंजॉय किया। अब आके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आगे का कार्यक्रम, बीच बीच में मैं आपके पास आता रहूँगा। हरे हरे पहुंच गए छाती लाल बिंदुरी देवराजा झोटाई हरे देवराजू यो पाथनरा भगवे जोड़ी काई
Oh!
तो दगड़ियों, आप लोगों ने देखा उत्तराखंड का ये महाकुंभ द्विति जो विनोद नगर रासबिहार डीडीए मैदान में चल रहा था, और इसमें उत्तराखंड के महान गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी, उत्तराखंड के सुपरस्टार बिशन सिंह हरियाला जी और मीना राणा जी भी आई थी। मीना, दुर्भाग्य से मैं मीना राणा जी का गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उस समय मुझे काफ़ी लोग मिलने के लिए आ चुके थे, मैं उनके साथ था, और काफ़ी उत्तराखंड की संस्थाएं यहां पर साथ में आई थी विनोद प्रसिद्ध जी के सानिध्य में। मुख्य अतिथि के रूप में अजय भट्ट जी भी आए थे, कैबिनेट मिनिस्टर जो भारत सरकार हैं। और ये ग्रुप जो आप देख रहे हैं ये भगवत मनराल जी का है, और इन्हीं यादों के साथ उत्तराखंड महापर्व द्विति का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, और बेल का आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। और आपसे अनुरोध है कि इस ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर करें। यादें हमेशा जुड़ी रहती हैं एक दूसरे के साथ, नेगी जी के साथ और ये बिशन सिंह हरियाला जी के साथ, और जैसा कि मैंने बोला मीना राणा जी भी थी, उनका गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अगले अपडेट तक जय भारत, जय उत्तराखंड।